Hello students, today we'll be starting a new chapter in SS for Standard 9 student. The name of the chapter is Post World War and Russian Revolution, chapter number 2. Okay, so the earning of the Western European country for expansion of empire and acquire new territory resulted in country going to Asia and Africa. Basically, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी वो यूरोपियन कंट्री को ज्यादा से ज्यादा ये चाहत होगी कि हम अपना पावर अलग अलग टेरिटरीज में एस्टैब्लिश करें, हम अपने रूल को अलग अलग टेरिटरीज में एक्सपांड करें। इस वजह से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो एशिया और अफ्रीका में आने लगे अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। कॉलोनी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप दूसरी कंट्री में जाके रूल करते हो तो उसको बोलते हैं कॉलोनी बनाना। अपने इंडिया में इंग्लैंड रूल करते थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया में, मतलब इंडिया हमारा था लेकिन तो भी रूल कोई और कंट्री करता था, उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो ये चाहते थे कि वो अभी एशिया अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना ले, तो ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। इस वजह से दस एस्टैब्लिश द कॉलोनी एक्सपांडेड देयर रूल। कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूरोपियन नेशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनी। हर यूरोपियन नेशन का यही इन तक है एशिया अफ्रीका को अपनी, एशिया अफ्रीका में जाके अलग अलग कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाए। तो बेसिकली ये जो कॉम्पिटिशन है कॉलोनी बनाने का यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन कॉज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रियून ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्री। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री की लालच थी, ग्रीड थी अपनी कॉलोनी बनाने में एशिया और अफ्रीका में, इस वजह से एशिया और अफ्रीका की कंट्री को इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली पूरी रियून होगी। जो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज है वो इकोनॉमिक, सोशली, कल्चरल वाइज पूरी रियून होगी, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको ग्रीड था कि हम लोग अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है एशिया अफ्रीका में। ओके, द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो हम आज पढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले मैं वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन एशिया अफ्रीका, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने एशिया अफ्रीका में कैसे कॉलोनीज बनाई उसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते। तो यही बात पूरी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ ली। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री वांटेड टू एक्सपैंड द एम्पायर टू एशिया अफ्रीका। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको अपना रूल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज पे एस्टैब्लिश करना था। दे ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन, उनकी जो लालच थी कॉलोनाइजेशन की, उससे क्या, डिड नॉट स्पेयर इन द नेबरिंग कंट्री। उनकी जो लालच थी अपनी कॉलोनी बनाने की, कॉलोनाइजेशन की, उससे उनकी जो नेबरिंग कंट्री है वो भी नहीं बच पाए। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड। स्पेन जो था उसने नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन तीनों का कंट्रोल ले लिया, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो जो स्पेन है उसने किस किस का, अपनी कौन से अपनी नेबरिंग कंट्री का कंट्रोल ले लिया, तो नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। लेटर ऑन सम ऑफ द प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। फिर इन तीनों रीजन के कुछ कुछ प्रोविंसेस फ्रांस ने कैप्चर कर लिए। व्हेन पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हायर, पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पैनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। तो जो पोर्टुगीज के राजा की डेथ हुई विदाउट एनी हायर, मतलब जो पोर्टुगीज के राजा की डेथ होगी और वो कोई भी लीगल हायर के बिना मर गए, मतलब उनके कोई भी बच्चा नहीं था जो उनका गद्दी संभाल पाए, हायर नहीं था, तो पोर्टुगीज किसके, पूरा पोर्टुगल रीजन किसके कंट्रोल में आ गया, स्पेनिश किंग के कंट्रोल में आ गया, बिकॉज स्पेनिश किंग के पोर्टुगल किंग के कुछ ब्लड रिलेशन थे, ठीक है। सो फॉर सिक्स डिकेड द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनी इन नॉन यूरोपियन कंट्री वॉज विद स्पेन। छह डिकेड्स तक जो ये मोनोपोली है कि नॉन यूरोपियन कंट्री में कॉलोनी बनाने की, वो किसके पास थी, स्पेन के पास थी। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सिक्स डिकेड्स तक ये जो मोनोपोली थी जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज की जो मोनोपोली थी नॉन यूरोपियन कंट्री में जाके अपनी अपनी कॉलोनी बनाने की, वो किसकी थी, मोनोपोली स्पेन की थी। छह डिकेड्स तक स्पेन इस चीज में माहिर था। सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट बिकेम द विक्टिम ऑफ ग्रीड एंड ऑस्ट्रिया। तो उसी तरह इटली और जो जर्मनी है तो वो भी क्या हो गया, जो जर्मन स्टेट थे जो इटली है, वो भी इस लालच में, मतलब इस लालच का शिकार हो गया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने उनको कंट्रोल कर लिया। When the European power were tightening their grip over Asian and African nation, many of European nation which had became free following the footstep of England made many of the Afro-Asian nation their colonies. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले एशिया का कॉलोनाइजेशन, फिर अपन पढ़ेंगे अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हम डील करेंगे वो एशिया का कॉलोनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा ध्यान यहाँ पे एशिया के कॉलोनाइजेशन पे अपन आते हैं। पहले आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड
एक्सपांडेड इज एम्पायर श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया। इंग्लैंड ने पहले अपनी ग्रिप इंडिया पे एस्टैब्लिश की, मतलब एक बार इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, अपनी ग्रिप इंडिया पे बना ली। फिर उन्होंने किस किस एरिया को कैप्चर करना चालू किया एशिया के, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी जो कंट्रीज है एशिया के उन पे अपना रूल एक्सपांड करना चालू किया। मतलब पहले उन्होंने इंडिया में अपनी ग्रिप बना ली, फिर नेबरिंग कंट्रीज सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चालू किया। इंग्लैंड एंटर चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड चाइना में भी एंटर हुआ, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देर वर वॉर विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री। लेकिन तब ये जो इंग्लैंड है वो चाइना में भी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एंटर हुआ, लेकिन चाइना और इंग्लैंड के बीच में ओपियम का ट्रेडिंग चलता था, ठीक है। सो ये ओपियम ट्रेडिंग के कारण बहुत सारी वॉर्स हुई थी, और ये जो ओपियम के कारण वॉर होती है उसको हम ओपियम वॉर बोलते हैं। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयरबाय लॉस्ट 5 ऑफ इट्स पोस्ट टू इंग्लैंड। ये जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम वॉर हुई थी उसमें जो वॉर है वो चाइना हार गई, और इस वजह से चाइना को अपने 5 फोर्ट इंग्लैंड को देने पड़े। वेन इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर, और वो पोर्ट से इंग्लैंड ट्रेडिंग करके अपना एम्पायर एक्सपांड करती थी। तो ओपियम वॉर कौन से दो कंट्रीज के बीच में थी, इंग्लैंड और चाइना, और उसमें कौन हारा, चाइना, और इस वजह से चाइना को अपने कितने पोर्ट इंग्लैंड को देने पड़े, 5 पोर्ट, क्लियर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइना वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका ऑल्सो एक्वायर ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the European to establish colony there. मतलब basically जो Western Asia है, Western Asia में बहुत ज्यादा oil के resources है, वो चीज से attract होके European nation वहां पे भी colony बनाने चले गए। England, Germany, Russia, America established oil company in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and make effort to take care of their interests. मतलब यही बोला है कि जो basically वेस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया में बहुत ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज है, वो इतने इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज से अट्रैक्ट होके जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ये वेस्टर्न एशियन कंट्री को भी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए चले गए। मतलब इस वजह से ये जो इंग्लैंड, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, इन लोगों ने अपनी ऑयल कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी बना दी ईरान, इराक, कुवैत में, जहाँ पे बहुत अच्छे ऑयल रिसोर्सेज थे। तो ये अपने इंग्लैंड का, एशिया का कॉलोनाइजेशन देखा। इंडिया में ग्रिप एस्टैब्लिश करने के बाद दूसरे रीजन पे एस्टैब्लिश की, ये सारी बातें देखी, फिर वेस्ट एशिया पे कैसे एस्टैब्लिश की वो भी पढ़ा। अब आ जाता है अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन कैसे है, कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, राइट। द डच एस्टैब्लिशेस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में किसने अपनी कॉलोनी बनाई थी, कौन सी यूरोपियन पावर ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो डच। सो डच ने सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बनाई थी बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। तो अगर आपको पूछे सबसे पहला यूरोपियन नेशन कौन सा था जिसमें साउथ अफ्रीका में कॉलोनी बनाई थी, तो डच। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश थे कॉलोनी केप एंड अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका। एक बार साउथ अफ्रीका में डच ने बना दी, फिर इंग्लैंड ने और फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाई अल्जीरिया, इन केप एंड अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका, जस्ट अ मिनट, रिस्पेक्टिवली। मतलब इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बनाई केप और फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाई अल्जीरिया में नॉर्थ अफ्रीका। वास्ट प्रोवाइंसेस ऑफ अफ्रीका सीम क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इट यूरोपियन कंट्री कम्पीटेड टू एस्टैब्लिश कॉलोनी। अब बेसिकली जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, अफ्रीका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, वहां पर रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद सकते थे, प्रोडक्ट बना के बेच सकते थे, इस वजह से सब जो यूरोपियन कंट्री थी वो अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए अट्रैक्ट हुई, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ। किंग लेपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज द वास्ट प्रोवाइंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल। तो यहाँ पे बोला किंग लेपोल्ड है, किंग लेपोल्ड, लेपोल्ड ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के किंग थे लेपोल्ड, उन्होंने कॉन्गो रीजन का बहुत ज्यादा एम्पायर खुद कैप्चर कर लिया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश कॉलोनी इन इजिप्ट, इंग्लैंड ने कहा अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की इजिप्ट में। सब प्रोवाइंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ द साउथ अफ्रीका, मतलब बेसिकली इंग्लैंड ने इजिप्ट में अपनी कॉलोनी बनाई, कुछ ईस्ट अफ्रीका के प्रोवाइंसेस में अपनी कॉलोनी बनाई, कुछ साउथ अफ्रीका के प्रोवाइंसेस में अपनी कॉलोनी बनाई, राइट। फ्रांस एस्टैब्लिश कॉलोनी, फ्रांस ने कहां पे बनाई, ओके,
सो फ्रांस एस्टैब्लिशेस कॉलोनी इन टिंसिया, मोरक्को, वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंसेस। तो यहाँ पे यही बोला है कौन कौन से इंग्लैंड के प्रोविंसेस ने कहाँ कहाँ कॉलोनी बनाई। जर्मनी एस्टैब्लिशेस एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। इटली कैप्चर्ड अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। स्पेन ओके सो बेलिया इटली ने कौन से प्रोविंसेस कैप्चर किया, कुछ कुछ कैप्चर अफ्रीका जो रेड सी के यहाँ पे। स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सी सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। तो ये सारे पता है अलग अलग यूरोपियन नेशन ने अफ्रीका के कौन कौन से रीजन को कैप्चर कर लिया, ये पूरा आपको लर्न करना ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशन वॉज हेल्ड इन बर्लिन। अब बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोपियन नेशन की, कहाँ पे होती है, बर्लिन में, इन द मिड्स ऑफ द कॉम्पिटिशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनी। तो ये जो कॉलोनी एस्टैब्लिश करने का कॉम्पिटिशन था उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन में यूरोपियन नेशन की। ठीक है। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरी वर डिवाइडेड अमंग यूरोपियन नेशन। अब बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस है यूरोपियन नेशन ने क्या किया, मिल बांट के अफ्रीकन टेरिटरी को अलग अलग यूरोपियन नेशन को बांट दिया। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस द कोलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशन वर एस्टैब्लिश ओवर एंटायर अफ्रीका। मतलब बेसिकली अफ्रीका के अलग अलग एरिया को अलग अलग यूरोपियन नेशन बेसिकली रूल करते थे। ये जब कॉम्पिटिशन चल रहा था कि अपनी कॉलोनी कौन एस्टैब्लिश करेगा ज्यादा पार्ट ऑफ द अफ्रीका में, उस टाइम भी कॉन्फ्रेंस हुई बर्लिन में यूरोपियन नेशन के, और यूरोपियन नेशन ने पूरे अफ्रीका को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और अलग अलग यूरोपियन नेशन को दे दिया। इस तरह पूरे के पूरे अफ्रीका में यूरोपियन नेशन का डोमिनेंस हो गया। राइट। वन ऑन द हैंड On one hand, greedy European nations were trying to colonize various Asian African territory. On the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, a unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. बोला है कि ये एक साइड पे क्या हो रहा था, एक साइड अलग अलग जो यूरोपियन नेशन है वो एशिया और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी, एशिया और अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने में कम्पीट कर रहे थे। इस टाइम पे इटली और जर्मनी जो पहले नेशन स्टेट नहीं थे वो भी नेशन स्टेट बन गए, उनका भी यूनिफिकेशन हो गया, मतलब वो भी पॉलिटिकली यूनिफाइड कंट्रीज बन गए। तो इस टाइम पे जब वो पॉलिटिकली यूनिफाइड कंट्री बन गए, सो दैट्स अ यूनिफाइड जर्मनी। तो जो जर्मनी जो यूनिफाइड हो गया वो भी कॉम्पिटिशन में आ गया, दूसरे यूरोपियन नेशन थे उसके साथ जर्मनी भी कंपटीशन में आ गया कि बैंको भी भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कमर्शियलाइजेशन करना है, हमको भी कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है। दस दिस क्विकली चेंजेस ग्लोबल फेनोमेनन हैड एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज हो रहे थे उससे काफी कंट्री को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ड्यू टू विच डेवलपमेंट हैज स्टॉप। दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। क्लियर। बोला एक हैंड पे जो ग्रीडी यूरोपियन नेशन है एशिया और अफ्रीका के अलग अलग टेरिटरीज पे अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी साइड उस वक्त इटली और जर्मनी जो पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे वो पॉलिटिकली यूनाइट हो गए। मतलब इटली, मतलब जर्मनी और इटली पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हो गए, जर्मनी पहले अलग अलग टुकड़ों में था वो एक पॉलिटिकल एक यूनिफाइड नेशन हो गया, इटली भी अलग अलग टुकड़ों में था वो भी पॉलिटिकल यूनिफाइड नेशन हो गया। तो ये जो यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी जो यूनिफाइड हो गया वो भी कंपटीशन में आ गया कि मुझे भी कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है। तो ये जो ग्रीडी यूरोपियन नेशंस की लालच के कारण काफी ज्यादा कंट्रीज को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वो डेवलप ही नहीं कर पाए, और इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अभी जो बेसिकली अपने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और अपने ये पढ़ा कोलोनाइजेशन एशिया में कैसा हो, कोलोनाइजेशन अफ्रीका में कैसा हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, आल्सो फॉर लॉन्ग आंसर। क्लियर। अब अपन इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ने वाले, दैट इज फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन कौन सी वजह से, कौन कौन से फैक्टर्स से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इन शॉर्ट लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग इवेंट और एकदम ना भूलने वाला इवेंट मान सकते हैं हिस्ट्री का। ठीक है। मेनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए काफी ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब बिगिन हुआ था, 1st August 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू कब हुआ था, 1st August 1914। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ था, इट बिगिन ऑन 1st August 1914। क्लियर। जर्मनी इज डिफीटेड फ्रांस इन द सडन वॉर। सडन वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन अ फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था सडन वॉर में, जिस वजह से जो हारा हुआ फ्रांस है उसको एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी पे साइन करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू विच ये ट्रीटी के हिसाब से फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एज वेल एज अ गिव अवे
गिव एज वेल एज गिव अवे टू ऑफ हिज प्रोविंसेस लॉरेन एंड अलस्के। मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में ऐसा लिखा था कि जर्मनी सॉरी फ्रांस को वॉर का फाइन भरना पड़ेगा, कि ये वॉर हुई तुम्हारी तब तुमको वॉर का फाइन भरना पड़ेगा और साथ साथ खुद के दो प्रोविंसेस भी जर्मनी को देने पड़ेंगे, लॉरेन एंड अलस्क। ओके टू जर्मनी, फ्रांस हैज नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। फ्रांस इतना बेइज्जती नहीं सहन कर पाया, ह्यूमिलिएशन नहीं सहन कर पाया। दिस फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीजन ही फ्रैंकफर्ट ट्रीटी ही थी। द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड ऑफ फ्यूचर वॉर। जैसे ही वॉर कम्प्लीट हुई ना, तो इसने लड़ाई कम्प्लीट होगी, इसने अगली वॉर का बीज बो दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट वापस समझा रही हूँ। ऐसे बोला है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग इवेंट है, मतलब अनफॉरगेटेबल इवेंट है। ये इवेंट को भूल नहीं सकते, इतना नुकसान और इतनी तबाही मच गई थी। राइट, अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ आप ये सोचोगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए काफी ज्यादा रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1 अगस्त 1914 को। अब बेसिकली फ्रांस और जर्मनी के बीच में सुडन वॉर हुई थी। उस सुडन वॉर में जर्मनी जीत गया था और फ्रांस हार गया था। इस वजह से फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जो है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। उस फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में ऐसा लिखा था कि जो फ्रांस है उसको जर्मनी को वॉर का फाइन भरना देना पड़ेगा और साथ साथ अपने दो प्रोविंसेस लॉरेन एंड अलस्का वो भी जर्मनी को देने पड़ेंगे। ये बेइज्जती, ये ह्यूमिलिएशन बहुत ही भारी पड़ गई फ्रांस को, वो नहीं सहन कर पाया। तो ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी वो भी एक रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ऐसे ही चलो सब नॉर्मल हो गया, वॉर खत्म, उसने नेक्स्ट वॉर का बीज बो दिया। क्लियर? तो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर है, फिर मिलिटरिज्म है, ग्रुपिज्म है, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, रूल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलोसॉफी अबाउट वॉर। ये 6 फैक्टर्स है जो एकदम अच्छे से सुने, लॉन्ग आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिस वजह से वॉर हुआ? इंग्लैंड ने एस्टैब्लिश इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका बाय 19th century तक ऐसा सिनेरियो हो गया था कि इंग्लैंड में एशिया और अफ्रीका के काफी रीजन में अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली, अपना प्रोविंस, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनी इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच। मतलब इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज को बहुत एक्सप्लॉइट किया, तंग किया और खुद उनके कॉस्ट पे अमीर बनते गए। मतलब जो उनकी कॉलोनीज थी उनको गरीब करते गए और खुद अमीर बनते गए। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब बेसिकली यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, अलग अलग इंडस्ट्री बन रही थी। ये इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो यूरोपियन नेशन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। सो बेसिकली जो 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर था उस टाइम जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्योर मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। जर्मनी ने कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर लिया कि एशिया और अफ्रीका के मार्केट को बेसिकली प्रोक्योर करने का। जर्मनी स्टार्टेड सेलिंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड। जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस की कंपेयर में सस्ते गुड्स बेचने लग गया। सो जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड अफ्रीका फ्रांस। द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर दस ब्रोकन अप बाय जर्मनी। तो जर्मनी ने अफ्रीका और एशिया का जो मार्केट था, जो बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस कंट्रोल करता था, जर्मनी ने वो पूरा मार्केट तोड़ दिया। मतलब जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस से सस्ते गुड्स बेचने लगे एशिया और अफ्रीकन कंट्री में, और जो एशिया अफ्रीका का पूरा मार्केट था जो पहले इंग्लैंड और फ्रांस कंट्रोल करते थे वो पूरा टूट गया। जर्मनी ने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया और इंग्लैंड और फ्रांस को हटा दिया। कंसिक्वेंटली अब इस वजह से देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को ऑब्वियसली गुस्सा आया। सो इस वजह से इंग्लैंड और जर्मनी में बहुत इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन था। तो पहला था इकोनॉमिक फैक्टर में ये फैक्टर था कि बेसिकली 19th सेंचुरी तक इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के काफी कॉन्टिनेंट को अक्वायर कर लिया था, और वो एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोइट करके उनको गरीब करके खुद बहुत रिच हो गए थे। अब बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था, तब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने सस्ते गुड्स बेचने लगे एशिया और अफ्रीका के। ओके, सो इंग्लैंड ने क्या किया, जो मार्केट को, जो एशियन अफ्रीकन मार्केट को, सॉरी जर्मनी ने क्या किया, जो एशियन अफ्रीकन मार्केट को इंग्लैंड रूल करता था उसको हटा दिया और खुद सस्ते प्रोडक्ट बेचने लग गए वहां पे। तो इस वजह से इंग्लैंड और जर्मनी में बहुत फियर्स इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन हो गया। अब मिलिटरिज्म,
मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट यूरोपियन नेशन गॉट इन टू. अब यूरोपियन नेशन एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कम्पीट कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो सारे यूरोपियन नेशन के पास एक अच्छी मिलिट्री होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था. फॉर एक्सपांशन इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया रशिया एक्सेट्रा हैड बीन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर. जो इंग्लैंड था फ्रांस था ऑस्ट्रिया रशिया ये सारे यूरोपियन नेशन कॉन्स्टेंटली अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाते जा रहे थे राइट. वन कंट्रीज लाइक जापान इटली जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड. और जापान इटली जर्मनी ये सारे जगह तो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, वो चालू हो गया था. प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनने लगे वेपन्स बनने लगे. बिकॉज बोलते ना पूरा वर्ल्ड वॉर के स्टेज पे था, पूरा वर्ल्ड में ऐसा कभी भी किसी भी लड़ाई हो जाएगी, इतना डेंजरस वर्ल्ड हो गया था. तो सब कंट्री अपनी मिलिट्री को एकदम रेडी रख लेते, अपने सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देते, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस होने लगे अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस की भाई हम सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन प्रोड्यूस कर रहे हैं. दस मिलिट्राइजेशन गॉट एन इम्पैक्टस इन मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन दैट क्रिएटेड अ सीरियस एटमोस्फियर. मतलब इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन तो था, ये कॉम्पिटिशन था तो हमको कॉलोनी बनानी एशियन अफ्रीकन कंट्री में, लेकिन ये इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन के साथ मिलिट्री कॉम्पिटिशन भी बहुत हो गया, इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. क्या बोला है यहाँ पे, बेसिकली ऐसा बोला है कि जो यूरोपियन नेशन है उनके अच्छी मिलिट्री फोर्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज सब लोगों को कंपटीशन में इंक्लूड होना था, और कंपटीशन में इंक्लूड होना मतलब लड़ाई के चांसेस हाई, तो खुद का मिलिट्री रेडी होना पड़े. सो बेसिकली फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जर्मनी उन्होंने अपना मिलिट्री वो बढ़ाते जा रहे थे, जापान इटली जर्मनी इन लोग तो कंपल्सरी कर दी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वेपन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, मतलब बहुत ज्यादा मिलिट्री कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया. नाउ ग्रुपिज्म सीक्रेट ट्रिटी, ग्रुपिज्म में क्या हुआ, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रिटी प्लेड अ मेजर रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. The world was divided into two groups before the First World War. मतलब जब First World War हुआ उससे पहले पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया गया. जब First World War हुआ तब क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया. On one side was group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey. ये जो दो ग्रुप बन गए बने थे बिफोर फर्स्ट वॉर, एक ग्रुप में कौन थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगेरिया था, बल्जेरिया था और टर्की था. ऑन द अदर साइड दूसरे साइड कौन था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था और जापान था. मतलब बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक साइड था जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया बल्जेरिया टर्की, दूसरी साइड था इंग्लैंड रशिया फ्रांस जापान. ठीक है, अब इन लोग जेलसी एनमिटी एंड मिस्ट्रस्ट फियर हेट्रेड डेवलप बिटवीन दिस ग्रुप. ये दोनों ग्रुप के बीच में हमेशा जेलसी नफरत इनसिक्योरिटी किसने कुछ कर दिया उसने, हमेशा इन लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी रह रही थी. ठीक है, विच वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी कोई बहुत बड़ी जगह है वहां पे दो ग्रुप बन जाते तो वो दो ग्रुप हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते, कोई कुछ नहीं करेगा ना तो भी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी की हमको वो ग्रुप नहीं बचाना, हम तो उस ग्रुप के नहीं. तो यही पूरी वर्ल्ड की हालत होगी, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक पार्ट में था जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया बल्जेरिया टर्की, दूसरे पार्ट में था जापान फ्रांस इंग्लैंड रशिया. तो ये दोनों ग्रुप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से नफरत करते थे, इनसिक्योरिटी जेलसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. फिर फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, अपने नेशन को इंपॉर्टेंट देना, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी. द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वॉज अ रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म. बेसिकली बोला है बेल्जियम जो इंडिपेंडेंट हुआ, ग्रीस जो इंडिपेंडेंट हुआ और जो जर्मनी और इटली यूनिफाइड हो गया, ये सब किस वजह से हुआ, नेशनलिज्म के कारण हुआ. बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप. लेकिन धीरे धीरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग ने बहुत गहरा बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ले लिया. इकोनॉमिक जेलसी कॉम्पिटिशन एंड कोलोनाइजेशन इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लैश. मतलब यूरोप में इकोनॉमिकल जेलसी की, वो नेशन अमीर है हम गरीब, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब, उनकी अच्छी उनकी गंदी, इतना इकोनॉमिक जेलसी हो गया था, इतना कॉम्पिटिशन हो गया था, इतना कोलोनाइजेशन हो गया था, that has increased so much that national interests of each other begin to clash. So, एक दूसरे के नेशन के इंटरेस्ट क्लैश होने लग गए. Leading European nation begin teaching extreme and destructive nationalism to its people. तो यूरोपियन नेशन अपने प्रजा को, हर यूरोपियन कंट्री अपने लोगों को एक्सट्रीम नेशनलिज्म सिखाने लगी कि अपना देश इंपॉर्टेंट, अपने देश को कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, नेशनलिज्म तो अच्छी बात है, बट बहुत फियर्स नेशनलिज्म लोगों के दिमाग में डालने लगी.
लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर नेशन, खुद के नेशन को प्यार करो गुड, बट दूसरे के नेशन को नफरत करना इज नॉट गुड। तो ये कंसेप्ट को क्या, लव फॉर ओन नेशन एंड हेट फॉर अदर नेशन, ये तुम्हारा नेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नेशन को ये हुआ तुम ऐसे इंडिपेंडेंट हुआ ये हुआ एंड दूसरा नेशन खराब है उसने तुम्हारे साथ ये किया, तो ये फीलिंग लोगों में बहुत ज्यादा भर दी गई। ठीक है, द जर्मन चीफ काइजर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनाइजेशन। जो जर्मन के चीफ थे काइजर विलियम, वो भी बहुत बड़े ओरिजिनेटर थे नेशनलिज्म की फीलिंग डालने में। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव वर्ल्ड लीडरशिप। ये जो जर्मन काइजर थे एम्बिशियस नहीं, वो ओवर एम्बिशियस थे, उनको पूरे वर्ल्ड को खुद में लाना था, वर्ल्ड की लीडरशिप चाहिए, ओवर एम्बिशियस थे। He wanted to get things done according to his will with the help of grand military power. वो बोलते थे जैसा वो चाहे वैसा ही होना चाहिए, उनके पास एक grand military power है, वो खुद की military power से जो चाहे वो करवा सकते हैं। Feeling of war spread across the nation as in Germany and this resulted in First World War. तो इस तरह से war की feeling पूरे nation में पूरे के पूरे world में फैल गई। ठीक है, तो nationalism का feeling होना is good, but बहुत fierce nationalism हो गया, बहुत extreme nationalism हो गया, खुद के nation को प्यार करना, दूसरे के nation से नफरत करने, ऐसी feeling बहुत ज्यादा encourage होने लगी। और जो जर्मन के चीफ थे, जर्मन काइजर, वो ओवर एम्बिशियस थे और वो पूरे वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते थे, वो बोलते थे मैं कुछ भी करा सकता हूँ मेरी मर्जी से अपने मिलिट्री पावर से। देन रोल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का क्या रोल था इसमें? सो न्यूज़पेपर ऑफ यूरोपियन नेशन अरोज सो मच हेट्रेड अमंग द पीपल विद अ म्यूचुअल डेरोगेटरी प्रोएक्टिव एक्सेजरेटेड एंड फॉल्स राइटअप बाय राइटिंग विमन अगेंस्ट द राइवल नेशन दैट द रूलर्स ऑफ रिस्पेक्टिव नेशन कुड नॉट इवन मेक एफर्ट टू एस्टैब्लिश पीस। न्यूज़पेपर ने भी बहुत रोल किया। न्यूज़पेपर, हर यूरोपियन कंट्री का न्यूज़पेपर दूसरे यूरोपियन कंट्री के लिए इतना जहर उगलता था, इतना बुरा बुरा लिखता था, इतना खराब, इतना फॉल्स चीजें, इतना मिसलीडिंग चीजें लिखता था कि लोगों के मन में इतना नफरत फैल गया ना दूसरे नेशन के लिए कि उसके जो लीडर्स थे वो भी उन लोगों का प्रजा को समझा नहीं सकते थे। अगर आपके पास कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर बीच कर आपको कोई और नेशन इसने ऐसा किया, ये नेशन अपने साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सो ऑब्वियसली अपन को दूसरे नेशन इंडिया के साथ इसने ऐसा किया, इंडिया के साथ उसने ऐसा किया, तो अपन कितना गुस्सा हो जाते कि उसने ऐसा क्यों किया। सो यही बात थी, जो न्यूज़पेपर थे वो इतना बुरा भला लिखते थे ना दूसरे नेशन के बारे में, इतना विमन लिखते थे, विमन मतलब जहर, जहर निकालते थे, इतना घटिया लिखते थे, इतना बुरा, इतना गलत लिखते थे ना कि लोगों के मन में इतना नफरत, इतना हेट्रेड फैल गया दूसरे नेशन के लिए कि जो उस नेशन के लीडर्स थे वो भी एक दूसरे से सुलह नहीं कर सकते थे। फिलोसॉफी अबाउट वॉर, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर, ऐसा माना जाता था। तो क्रूट इन यूरोपियन फिलोसॉफी आगे वॉर इज वेलफेयर, लड़ाई करना ही भलाई है, लड़ाई ही फाइनल सोल्यूशन है, लड़ाई करने से फायदा हो गया, ये फीलिंग बहुत लोगों में आ गई। जर्मन राइटर ट्रस्ट की पब्लिश द मैगजीन लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, ऐसी सी मैगजीन पब्लिश होती थी ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, जो सबसे ताकतवर होगा वही जिएगा बाकी सब मर जाएंगे, मतलब सबसे माइटी जिएगा, सब ऐसा ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो सबसे ज्यादा पावरफुल वो ही रह पाएगा वरना दूसरी कंट्री को निकाल देंगे। वॉर अलोन इज अ नेशनल नीड, पूरे नेशन की नीड ये कि हमको लड़ाई करनी है, वॉर वॉर वॉर, ये चीज इतनी प्रभु, वॉर बोलना इज वेरी इजी कि लड़ाई कर लो, इसमें क्या हो, इसको ये कर दो, ये कंट्री को वो कर दो, बट एक्चुअली जब वॉर होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, फिनेंशियल, हर तरीके से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस वॉर। तो यहाँ पे उस टाइम पे यूरोपियन नेशन ने यही फीलिंग की वॉर ही अब एक ऑप्शन है, वॉर ही वेलफेयर है, नेशन के इंटरेस्ट में वॉर ही, और जो माइटी है वही जीतेगा। द जर्मन राइटर एक्सप्रेस वॉर इज अ सेक्रेड वर्क, अब ये एक राइटर थे, एक जर्मन राइटर ने, वो तो वॉर को एक सेक्रेड पवित्र काम मानते थे, बोलते थे वॉर एक सेक्रेड वर्क है, पवित्र काम है, वो तो करना ही चाहिए, मतलब इतनी गलत गलत चीजें रूट होने लगी ना वहां पे। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हिज वाइफ वर एसिनेटेड बाय बीइंग शॉट एट अ मेंबर, शॉट एट बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। तो मतलब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो राजा थे और उनकी जो वाइफ है उनको किसी ने शॉट कर दिया, सर्बेरिया का जो टेररिस्ट ग्रुप था उन्होंने, ब्लैक हैंड करके सर्बेरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के किंग और उनकी वाइफ को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम सर्बेरिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन एक्ट, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली सर्बेरिया पे ब्लेम किया कि आपका सर्बेरिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने हमारे राजा रानी को मार दिया, राइट, एंड गेव द अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रेलिया, और बोला कि तुम्हारे ये सर्बिया में से जो भी कल्प्रिट है, जिसने भी किंग और उनकी वाइफ को मारा है, वो हमको हमारे हवाले कर दो।
विद इन 48 आवर्स की 48 आवर्स में जो भी तुम्हारे यहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिसने भी मारा है हमको हैंड ओवर कर दो। साइबेरिया डिक्लेयर इज इग्नोरेंस इन द मैटर, तो साइबेरिया इग्नोर करता था कि हमको पता ही नहीं कौन क्या है, मतलब इग्नोर करता था। Without listening to anything from Serbia, Austria declared a war on the Serbia. जब Serbia ने 48 hours में जवाब नहीं दिया, ignore किया, तो कुछ बात नहीं सुनी directly, Austria ने Serbia पे war declare की। This is how the First World War began. इस तरीके से First World War चालू। ठीक है, तो last वाला काम मैं आपको बताया ना, First World War चालू कैसे हुई, वापस में संचारी क्या हुआ एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिंस और जो उनकी वाइफ थी उनको किसी ने गोली मार दी एक सर्बेरिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से, ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत गुस्सा है, ऑस्ट्रेलिया के लोग ने सर्बेरियन गवर्नमेंट को बोला कि जो भी आपके कंट्री में से कातिल है जिसने हमारे राजा रानी को मारा है वो हमको हैंड ओवर कर लो 48 आवर्स में, वरना बहुत बुरा कंसिक्वेंसेस होगा। लेकिन सर्बेरिया ने बात को इग्नोर किया। उसके बाद क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, बिना सर्बेरिया के कुछ सुने डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बेरिया पे, और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। ठीक है, तो अभी अपने बड़े फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 5 फैक्टर्स से 6 फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इजी टू लर्न एंड इम्पोर्टेंट अगेन। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, दूसरा मिलिट्रलिज्म था, तीसरा ग्रुपिज्म था, चौथा फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म एंड फिफ्थ रोल ऑफ न्यूज़पेपर, सिक्स फिलोसॉफी अबाउट वॉर। तो ये 6 पॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आ जाते हैं, अभी तक के फैक्टर्स पढ़े, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था उसका इफेक्ट क्या था वो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी। In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and 4 nations supported the Axis nation. Okay, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो First World War हुआ था उसमें 24 nation थे जिन्होंने Allied nation को support किया और 4 ऐसे nation थे जिन्होंने Axis nation को support किया। Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जर्मनी ने बहुत सारी लड़ाई जीती, बहुत सारे वॉर जीते। इट ड्यून द फ्रेंच आर्मी, जर्मनी ने पूरी फ्रेंच की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर लिया। इट फॉट मेनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑफ अलाइड नेशन, तो बेसिकली ये जर्मनी ने काफी सबमरीन वॉर लड़ी। अब यहाँ पे ना अलाइड नेशन देखो कौन है, जस्ट अ मिनट, आपने पढ़ा था 2 ग्रुप में था, तो जो इंग्लैंड फ्रांस वो वाला था ना वो अलाइड नेशन, और जर्मनी वाला एक्सिस नेशन। तो जर्मनी ने काफी सबमरीन वॉर लड़के जो अलाइड नेशन थे उनकी शिप्स को सबमरीन वॉर मतलब सबमरीन मतलब पानी के अंदर वॉर लड़के काफी ज्यादा अलाइड नेशन की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेनी सोल्जर एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक पॉइजनस गैसेस, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा टैंक में से पॉइजनस गैसेस निकाली जिसमें से बहुत ज्यादा लोग की डेथ हुई। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विथड्रू फ्रॉम द वॉर। अब बेसिकली रशिया में एक रिवॉल्यूशन चालू हो गया 1917 में, तो रशिया ने वॉर से हाथ खड़े कर लिए कि हमको तो लड़ाई नहीं लड़नी, हमारे कंट्री में रिवॉल्यूशन चल रहा है। सो रशियन रिवॉल्यूशन चालू है, इससे रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से बाहर निकल गया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, उस टाइम पे जर्मनी बहुत